हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप मल्टीपल गैजेट वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल ईयरबड टैबलेट वगैरह यूज वगैरह करते हैं, लेकिन आपको गंदगी का सामना वगैरह करना पड़ता है। ईयरबड गंदा हो जाता है, मोबाइल वगैरह गंदा हो जाता है, साफ़ करते हैं कपड़े वगैरह से सही से क्लीन वगैरह नहीं हो पाता था। उन सब का सॉल्यूशन वगैरह लेके आ चुका हूँ दोस्तों, प्रोटोनिक की ब्रांडिंग के साथ आने वाला क्लीन एम है, जिसके अनबॉक्सिंग वगैरह करने वाला हूँ। इसकी रिव्यू वगैरह करेंगे, देखेंगे अपने जो प्राइसिंग में जो जो चीज़ें लेके आता है, क्या इसको परचेज वगैरह इस प्राइस में करना चाहिए कि नहीं। चलो फिर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बड़ी तो नहीं होगी लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर होगी, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, उसके बगल बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर देना। चलिए फिर दोस्तों, बॉक्स पैकिंग की बात करते हैं। यहाँ प्रोटोनिक्स की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पर आपको क्लीन डिवाइस फॉर बैटर की ब्रांडिंग की गई है। तो जो भी डिवाइस वगैरह है नॉर्मल तरीके से क्लीन वगैरह करते हैं तो इससे आप उसे बेटर तरीके से क्लीन वगैरह कर पाएंगे। 8-in-1 का ऑप्शन है, 8 डिवाइस 8 तरीके से इसको साफ वगैरह कर सकते हैं। 8 ऑप्शन मिल जाएगा। क्लीन एम की ब्रांडिंग की गई है, मल्टी फंक्शनल क्लीनिंग किट की ब्रांडिंग रखी गई है। 8 यहाँ पर आपको साइड में दोनों तरफ मेंशन किया है किया गया क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी वगैरह मिल जाती है, तो ब्रांड काफ़ी रिलायबल है, प्रोडक्ट भी काफ़ी रिलायबल है। तो फटाफट ओपन वगैरह करते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। ओपन कर दो दोस्तों, लिखा मिल जाता है यहाँ पे। सबसे पहले एक वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाएगी। इसकी कलर एंड क्वालिटी की बात करूँ तो कलर तो देख पाएंगे, लाइट ब्लू कलर है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर पेट्रोनिक्स की ब्रांडिंग की गई, देखने में काफ़ी सही लग रही है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेक वगैरह कर पाएंगे। जहाँ पे इसको बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी A to Z प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक की बिल्कुल लाइट वेट है, लेकिन फिनिशिंग वगैरह काफ़ी सही से दी गई है। जहाँ पे आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी लाइट वेट है तो काफ़ी हैवी नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की डिज़ाइन वगैरह फिनिशिंग वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी सही है। जहाँ पे आपको जैसे यहाँ पेट्रोनिक्स की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे आपको दोस्तों 8 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन है मिल जाएगा, इससे आप दोस्तों ईयरबड्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। ईयरबड्स के जो क्लीनिंग वगैरह होता है यहाँ से कर सकते हैं, इससे ब्रश से क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। एक ऑप्शन ही मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी 8 ऑप्शन बताने वाला हूँ। इधर से जाएंगे तो ईयरबड जिसमें रखते हैं बेसिकली एयरबड्स, ईयरबड्स के लिए दिया गया केस वगैरह जो अंदर गंदगी जम जाती है जिससे आपके कान वगैरह में आता है, तो उसको साफ वगैरह कर सकते हैं। और इधर की बात करो दोस्तों तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फ़ोन स्टैंड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोन वगैरह जो भी आपके फ़ोन वगैरह हो यूज वगैरह कर रहे हो, आपको वीडियो वगैरह देखना तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये भी मल्टीपल ऑप्शन है, ये भी इसका यूज वगैरह कर सकते हैं नॉर्मल टाइम पे अगर रखा हुआ आपके पास। तो इधर की बात करूँ तो इधर दोस्तों एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कीबोर्ड वगैरह साफ कर सकते हैं। बेसिकली इसके और भी ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कीबोर्ड्स का जो बटन्स वगैरह होता है उसको इससे रिमूव कर सकते हो, इससे यहाँ क्लीन वगैरह कर सकते हैं। ये तो यहाँ ये दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है इसके देखने के लिए। इसको यहाँ फिट करते हैं फटाफट दोस्तों, और ये मिल जाता है इसमें लिक्विड, जिसको दोस्तों आप इस तरीके से आपको बताऊँ तो इस तरीके से स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस वगैरह उस पर स्प्रे करके आप इसको इस तरीके से साफ वगैरह कर सकते हैं। तो एक काम में ले सकते हैं दो चीज़ें, तो काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन वगैरह हो जाएगा। ये नहीं कहूँगा दोस्तों बहुत अच्छे क्लीन वगैरह होगा, कपड़े से क्लीन वगैरह कर सकता है, लेकिन काफ़ी सही क्वालिटी में, मतलब ये नहीं कि कपड़े से, तो काफ़ी बेटर क्वालिटी वगैरह क्लीन वगैरह कर पाता है। तो इससे क्लीन वगैरह कर पाएंगे, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। इधर जैसे बता दें दोस्तों, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिक्विड की बात करूँ तो जो टेम्पर लगाते समय जो लिक्विड वगैरह होता है वो इसमें डाला गया है। काफ़ी 1-2 दिन से जो कर रहा हूँ, सारे डिवाइस क्लीन वगैरह किए, लैपटॉप भी क्लीन किया तो ख़त्म हो गया। इसको दोस्तों आपको रिफ़िल वगैरह करना हो तो परचेज कर सकते हैं मार्केट से, यहाँ से खोल कर इसको रिफ़िल वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मार्केट में लिक्विड इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप मोबाइल शॉप पे जहाँ पे होलसेल रेट पर प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं मोबाइल के टेम्पर्स वगैरह के, वहाँ से ले सकते हैं ये चीज़ें। तो इससे ये चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसको स्प्रे वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों इधर की बात करो तो इधर A to Z जैसे बताया चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। 8 ऑप्शन A to Z मिल जाएगा, जो भी जो आपके लैपटॉप वगैरह हो, फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, ईयरबड वगैरह सारे चीज़ों के लिए क्लीन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे तो नॉर्मल कपड़े से भी साफ कर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप हैवी एप्पल्स वगैरह का प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते ईयरबड्स एप्पल ईयरबड्स प्रो वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो एप्पल का क्लॉथिंग वगैरह नहीं है, क्लॉथ वगैरह नहीं ले सकते, तो इसके लिए जा सकते हैं। 500 रुपये के आसपास, 350 से 400 रुपये मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से अपने प्राइस में जो चीज़ लेके आता है, वैसे है तो फालतू की चीज़ें, ऐसा कोई चीज़ भी नहीं करता, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें का शौक है, नहीं मुझे क्लीन करना है, तो आप उसके ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी सही प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड वगैरह इसके लिए इससे निकाल के यहाँ से काफ़ी अच्छे साफ वगैरह किया था,
का कीबोर्ड निकल जाता है। इसके यूज करके मैंने साफ़ किया था, यहाँ से गंदगी वगैरह निकल जाती है नोक से, तो काफ़ी अच्छे से कीबोर्ड वगैरह, इसके लिए मेरा लैपटॉप को काफ़ी गंदा हो गया था, उसको मैंने काफ़ी अच्छे साफ़ कर पाया। और काफ़ी मल्टी एक एक निकाल के साफ़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से साफ़ वगैरह हो जाता, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता, वैसे भी नॉर्मली साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इससे और अच्छे से हेल्प वगैरह मिल जाएगा, टूटने वगैरह डैमेज वगैरह होने का चांसेस वगैरह नहीं होता। चलिए भाई दोस्तों, अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो लिंक दे दूंगा, अमेजोन पर लिस्टेड है, वहाँ से लिंक परचेज वगैरह कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे ऐसे डिवाइस की अनबॉक्सिंग मेरे के जो ऐसा तो नहीं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है, तो उन सबको देखने के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर फुल वीडियो वॉच वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए भाई दोस्तों, आज के लिए इतने, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया तो भी कर लीजिए, और देखते रहिए।